welcome back to another video. I have hurt my back 3 to 4 days ago और उसकी मेन रीज़न ये है कि मैंने बेल्ट नहीं पहना हुआ था टी बार रोज में और थोड़ा सा अपनी कैपेसिटी से हैवी जा रहा था और दूसरी बात ये कि आजकल गर्मियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं तो उस वजह से भी मैं भी इशू आया हो, हालांकि एंगल मेरा ठीक था लेकिन मैं भी फॉर सम रीज़न मेरी लोअर बैक का जो टेंडन है वो टेयर हो गया और उसकी वजह से काफ़ी मुझे तकलीफ़ रही है 2-3 दिन। तो ये कुछ स्ट्रेचेस हैं जो आपको लाजमी करने चाहिए ताकि आपकी बैक सेफ रहे और बेल्ट लाजमी आपने पहनना है। नेट यार ये लड़का तो बीच में ले आ ना, वीडियो वायरल में मेरी शर्त लगा रहा है इसको, मैं एक दफा देख लिया हूं अच्छे व्यूज आए। ये बहुत बड़ा स्टार है, जान चला हुआ सुपरस्टार। ये नहीं बताऊंगा स्टार कौन सा आप इसकी ना सुपरस्टार है हॉट स्टार है। आप इसकी लुक देख के बता सकते हैं कौन सा है। हैंडसम गाय, मैंने इसको बोला भी है कि भाई तू जो है ना मुझे रख, तू अच्छा लगता है। कभी से मुझसे की है, कभी से रखी थी ये स्टाइलिश बंदा है। यार क्यों बेइज्जत करते हैं, क्यों इसको तू बेइज्जत करते हैं? अच्छा बिल्डर है यार, यार अच्छा है। आप बताओ ये इज इट रिस्पेक्ट। दूसरा टिप कि आपने लाइट वेट जाना है रिहैब के टाइम पे, आपने हैवी वेट के चक्कर में नहीं जाना वरना इंजरी और ज़्यादा हो सकती है। वॉशरूम में और बैठने में, लेटने में, उठने में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम की तकलीफ थी और आई कॉन्ट टेल यू कि ये इंजरी कितनी सिवियर होती है और कितना पेनफुल होती है। अगर इंजरी हो भी जाती है तो सबसे पहले तो आपने स्ट्रेचिंग और 2-3 दिन का आपने गैप ले लेना, उसके बाद आपने अपनी रिहैब के लिए ये मेडिसिन लेनी है और ताकि आपकी पेन रिलीफ हो। इसके अंदर डिक्लोफिनेक सब्सटेंस है जो कि पेन रिमूव करता है और वैसे भी थोड़ी सी रिकवरी प्रोसेस जो है जहाँ पे भी कंजेशन होती है वो सेट कर देता है। सो स्टे सेफ गाइस, जो चीज़ें मैंने बताई हैं अगर इनके हिसाब को इंजरी हो भी जाती है तो इन चीज़ों को आपने लाजमी ख्याल रखना है। स्पेशली 3 to 4 days बाद अगर आपकी थोड़ी बहुत रिकवरी होती है तो आपने पागलों की तरह वेट नहीं लगाना, आपने लाजमी स्लो एंड स्टडी आपने अपनी रिकवरी करनी है, स्पेशली लेग्स में और बैक की एक्सरसाइज में जहाँ पे लोड ज़्यादा पड़ता है लोअर बैक में, तो इसका आपने लाजमी ख्याल रखना है। स्टे सेफ गाइस और यमान अल्लाह, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।